नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल और असम में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। केंद्र ने चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त बिक्री के लिए उपलब्ध कराई। देश में अब तक 6,24,00,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की उत्पत्ति की वैश्विक स्तर पर जांच की रिपोर्ट जारी की। अमरीका, ब्रिटेन और 12 अन्य देशों ने रिपोर्ट के निष्कर्ष की आलोचना की। एक सदस्यीय न्यायिक समिति महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के आरोपों की जांच करेगी। मुंबई उच्च न्यायालय आज देशमुख के खिलाफ जांच की मांग करने संबंधी परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। जयपुर अदालत ने आतंकवाद के आरोप में राजस्थान सिमी के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव किया। भारत लगभग 3 अरब डॉलर की आरंभिक पूंजी और अगले 3 वर्ष में 69 अरब डॉलर के ऋण लक्ष्य के साथ नई वित्तीय विकास संस्था का गठन करेगा। भारत के स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को 2022 में 372 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना। उड़ान योजना के अंतर्गत 3 दिन में 22 मार्गों का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में चोटिल श्रेयस अय्यर के स्थान पर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान नियुक्त। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान कल समाप्त हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो और चुनाव सभाएं की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के बीच रोड शो, जनसभाएं, उग्र भाषण के साथ कल सम्पन्न हुआ। इस चरण में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां आज शाम तक मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की है। जिले और शहरों की सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा जांच की जा रही है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इस बीच भाजपा, तृणमूल कांग्रेस तथा संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता आज से अपना चुनाव प्रचार उन विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रित कर रहे हैं जहां तीसरे और चौथे चरण के तहत मतदान होना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं। उनके और भाजपा के बीच नंदीग्राम विधानसभा सीट प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई बन गई है। नंदीग्राम में वर्ष 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन हुआ, जहां से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में पैठ बनाई और 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बहुमत मिला। इसके साथ ही 34 साल से वाम मोर्चा शासन का अंत हो गया। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार बारिश और खराब मौसम के साथ कल समाप्त हो गया। इस चरण में 39 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। 73,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण में 27 मार्च को वोट डाले गए थे। जोर शोर से चले प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पिछले सप्ताह कई बार राज्य का दौरा किया। एक रिपोर्ट।
असम में दूसरे चरण की अधिकांश सीटों पर एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। बीजेपी ने इस चरण में 34 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जबकि कांग्रेस ने 28, अखम जातीय परिषद के 19, एआईयूडीएफ ने 7, अखम गणा परिषद ने 6 और बीपीएफ के 4 उम्मीदवार मैदान में है। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए वरिष्ठ नेता और मंत्री परिमल शुक्लवैद्य, भवेश कलिता, पीयूष हजारिका और विधायक नुमल ममिन फिर से चुनाव लड़ेंगे। कमलखा देवपुर का स्था सिद्दीक अहमद और सुम रंगहांग कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। इस बीच असम के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी पुलक पतगिरी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव के दौरान ब्रेल साइनेज प्रणाली उपयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। तमिलनाडु में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच गहमा गहमी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के नेताओं ने कल धारपुरम में प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में डीएमके शासनकाल के दौरान असफलताओं का उल्लेख किया। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री का जवाब देते हुए कहा कि श्री मोदी पोलाची की घटना की अनदेखी करते हुए एआईए डीएमके को समर्थन दे रहे हैं। इस घटना में कई लड़कियों की अस्मिता दांव पर लग गई थी। श्री स्टालिन ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों पर डीएमके के बारे में गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। राज्य में घर घर जाकर प्रचार किए जा रहे हैं और छोटी छोटी रैलियां आयोजित हो रही हैं। दलों ने प्रचार के लिए लोक कलाकारों को भी आमंत्रित किया है। मतदाता अपने मनपसंद अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को देखकर रोमांचित हैं। देश में अब तक 6,24,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,13,00,000 हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है। इस समय देश में 5,40,720 से अधिक मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.47% है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए मामले बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में नए संक्रमित रोगियों के कुल 80% रोगी हैं। मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,62,114 को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए और अध्ययन तथा डेटा संग्रह का आह्वान किया है। कोविड महामारी से अब तक पूरे विश्व में 27,90,000 लोग मारे जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायरस के स्रोत का पता लगाने में सभी अवधारणाओं पर विचार किया जाना चाहिए। मूल स्रोत की जांच में लगी अंतर्राष्ट्रीय टीम के वुहान दौरे की रिपोर्ट कल प्रकाशित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियासिस ने ये रिपोर्ट जारी की। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन अभी वायरस के मूल स्रोत का पता नहीं लग सका है। इस दिशा में प्रयास जारी रखना होगा ताकि इस वायरस से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए सामूहिक कदम उठाए जा सकें। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस के प्रयोगशाला से फैलने की संभावना न के बराबर है। रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद अमरीका, ब्रिटेन और 12 सहयोगी देशों ने इसके निष्कर्षों की आलोचना की और चीन से जांच विशेषज्ञों को पूरा सहयोग उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए पहली कक्षा से 8वीं तक के सभी विद्यालय 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। इनमें सरकारी और निजी विद्यालय दोनों शामिल हैं। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोविड टीका लेने के लिए अवकाश मंजूर करने का भी फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है।
गुजरात सरकार ने राज्य के चार बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। केंद्र सरकार के कोविड पर जारी दिशा निर्देश भी 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कोविड संक्रमण में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के नए 2,220 मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर 1,988 मरीज ठीक होने के साथ उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। गुजरात में इस वक्त 12,263 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 147 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कल 30 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र में शामिल किया गया। इस बीच राज्य में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कल राज्य में 1,93,968 लोगों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में टीके लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 53 लाख से ज्यादा हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने कल कहा कि स्कूल और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान सीमित उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बीवीआर सुब्रमण्यम ने कोविड की मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में फिर कहा गया है कि जहां तक संभव हो ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा को अध्यापन कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाती रहेगी और यदि विद्यार्थी स्कूल जाने की जगह ऑनलाइन कक्षाएं लेने को प्राथमिकता देते हैं तो इसकी अनुमति उन्हें दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर राजधानी रायपुर सहित 12 जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन जिलों में दुकानों को रात 9 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं होगी, जबकि बिना किसी वैध कारण के घूमने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दवा की दुकानों और पेट्रोल पंपों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई जिलों में बढ़ते कोविड संक्रमण पर चिंता व्यक्त की है। सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी, 46 की हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। झारखंड में कोविड संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 418 रोगी आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,254 हो गई है। पिछले 15 दिन के दौरान राज्य में संक्रमण दर 6 गुना बढ़ी है। हमारी रांची संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मामलों की जांच बढ़ा दी है और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया है। झारखंड राज्य में रांची जिले में सबसे अधिक कोरोना के सक्रिय मामले सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में कोरोना संक्रमण से 3 मौतें भी हुई हैं। रांची के उपायुक्त ने कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए 8 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और मॉल के मालिकों और सभी श्रमिकों से कोविड-19 की जांच कराने का निर्देश दिया है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जहां लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, वहां से बसों या रेलवे के माध्यम से आने वाले सभी यात्रियों कोविड-19 की जांच अनिवार्य रूप से करने के लिए रांची डीसी ने मजिस्ट्रेट के साथ एक मेडिकल टीम की भी प्रतिनियुक्ति की है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके सुरक्षित और कारगर हैं। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने बताया कि कल से देश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लद्दाख में कल कोरोना संक्रमण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। हमारे लेह संवाददाता ने बताया है कि लद्दाख में कोविड संक्रमण का पहला मामला पिछले वर्ष मार्च में आया था। भारत में कोविड-19 संक्रमण का
पहला मामला मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरूकता फैलाने में आगे रहा है। आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च महीने में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग ले चुके हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर चुके हैं। कल इस श्रृंखला की 350वीं कड़ी प्रसारित की गई। इसमें नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड 19 कार्यबल के प्रमुख डॉ वीके पॉल ने हिस्सा लिया और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। डॉ पॉल ने आशा व्यक्त की कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो रहा है और इस महामारी की रोकथाम में ये काफी प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो 45 का है, 45 से ज्यादा का है, वो टीकाकरण को अपनाए तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की आज टीकाकरण के लिए चिन्हित हो गई है, तो उनको अब आगे आके सरकार के अस्पतालों से या प्राइवेट के हॉस्पिटल से अपना टीकाकरण करवाना है। जो जनमानस की जिम्मेवारियों की बात कर रहे थे, अब उसमें ये जिम्मेवारी भी जुड़ गई है। कोई भी वजह नहीं कि आप टीका नहीं लगवाएं, सेफ हैं टीके, आपकी जान बचा सकते हैं, आपकी बीमारी सीरियस ना हो ये बचा सकते हैं, आपके द्वारा संक्रमण किसी परिवारजन को नहीं होगा ये सिद्ध होता है। तो इस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी की तरह भी लीजिए, अपने लिए भी या समाज की जिम्मेवारी के लिए। बम्बई उच्च न्यायालय आज मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की वसूली की मांग करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुंबई पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय एक सदस्यीय समिति गठित की है। जांच का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल को सौंपा गया है। परमबीर सिंह ने इस वर्ष 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के प्रशासनिक विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आरोपों में सच्चाई है या नहीं और आरोपों की पुष्टि में सबूत पेश किए गए हैं या नहीं। इस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि परमबीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल तथा निलंबित पुलिस अधिकारी सचिव वाझे के बीच बातचीत की रिपोर्ट सही है या नहीं। समिति सरकार को यह भी परामर्श देगी कि इस मामले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो या किसी अन्य विभाग की जांच आवश्यक है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल और असम में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। केंद्र ने चुनावी बॉन्ड की 16 किस्त बिक्री के लिए उपलब्ध कराई। देश में अब तक 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की उत्पत्ति की वैश्विक स्तर पर जांच की रिपोर्ट जारी की। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य देशों ने रिपोर्ट के निष्कर्ष की आलोचना की। एक सदस्यीय न्यायिक समिति महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के आरोपों की जांच करेगी। बंबई उच्च न्यायालय आज देशमुख के खिलाफ जांच की मांग करने संबंधी परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। जयपुर अदालत ने आतंकवाद के आरोप में राजस्थान सिमी के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा कराने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव किया। भारत लगभग 3 अरब डॉलर की आरंभिक पूंजी और अगले 3 वर्षों में 69 अरब डॉलर के ऋण लक्ष्य के साथ नई वित्तीय विकास संस्था का गठन करेगा। भारत के स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के 2022 में 372 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना। उड़ान योजना के अंतर्गत 3 दिनों में 22 मार्गों का शुभारंभ और आईपीएल क्रिकेट में घायल श्रेयस अय्यर के स्थान पर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान नियुक्त। राजस्थान में जयपुर जिला अदालत ने सिमी के 12 सदस्यों को आतंकी होने का आरोपी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 13वां व्यक्ति निर्दोष पाया गया। वे सभी इंजीनियरिंग के छात्र हैं और उन पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के साथ काम करने का आरोप था। उन्हें एटीएस ने 2014 में गिरफ्तार किया था। 2014 में जयपुर, सीकर और अन्य जिलों से विशेष सूचना मिलने पर 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उनका सिमी से संबंध होने और आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होने का आरोप था। केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने
आज पुराने वाहन की स्क्रैप के संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत एक नई विकास वित्तीय संस्था बनाने जा रहा है, जिसकी आरंभिक पूंजी लगभग $3 अरब होगी और 3 वर्षों में इसके माध्यम से $69 अरब का ऋण देने का लक्ष्य रखा जाएगा। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के शासक मंडल की 6वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा ले रही थीं। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने महामारी के प्रभावों को सीमित करने के लिए भारत की त्वरित कार्रवाई और बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने का महत्व बताया। वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत का टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान है जो अब तक चल रहा है। भारत ने 80 देशों में भारत में बनी कोविड वैक्सीन की 6,39,00,000 खुराक भेजी है, जिसमें 1,04,00,000 खुराक अनुदान के रूप में है। वित्त मंत्री ने एनडीबी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं और वित्तीय बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक नवाचार की तलाश करें। वित्त मंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बैंक की उपलब्धियों और प्रगति को स्वीकार किया। उन्होंने कोविड महामारी से संघर्ष में सदस्य देशों को सहयोग देने के लिए $10 अरब की आपात सहायता कार्यक्रम के माध्यम से ऋण देने में एनडीबी की भूमिका का भी उल्लेख किया। भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक $372 अरब तक पहुंच सकता है। देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न संवर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों और सामग्री, स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन, गृह स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा यात्रा शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में क्षेत्रीय स्थानों को जोड़ने संबंधी उड़ान योजना के अंतर्गत कुल 22 नई उड़ानें शुरू की गईं। इसके अंतर्गत गैर संचालित और कम संचालित हवाई अड्डों से उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र, राज्य सरकारें और हवाई अड्डा संचालक कुछ विमान कंपनियों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इन विमानों की यात्रा किफायती है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अभी तक देश भर में उड़ान योजना के अंतर्गत 5 हेलीपैड और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 57 हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित की जा रही हैं। रविवार को गोरखपुर लखनऊ, कुरनूल बेंगलुरु, कुरनूल विशाखापत्तनम, कुरनूल चेन्नई, आगरा बेंगलुरु, आगरा भोपाल, प्रयागराज भुवनेश्वर और प्रयागराज भोपाल जैसे मार्गों पर उड़ान योजना के अंतर्गत 18 नई उड़ानें शुरू की गईं। सिक्किम के इतिहास में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव पार्टीगत आधार में न होकर स्वतंत्र रूप में हो रहा है। नगर निगम के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण नगर निकाय के चुनाव में देरी हुई। इस चुनाव में राज्य के 7 स्थानीय निकायों के 51 वार्ड में कुल 151 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार द्वारा सिक्किम म्यूनिसिपल एक्ट 2007 में एक नई धारा 14A जोड़ने के बाद किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उम्मीदवार का समर्थन करने की अनुमति नहीं है। पूर्व जिले के निर्वाचन अधिकारी श्री रघुल के ने बताया कि मतदान के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर मतदान केंद्रों की तैयारी किया गया है। द मॉक पोल विल स्टार्ट एट 7 AM एंड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ मॉक पोल एट 7 AM 8 AM एक्चुअल पोल विल स्टार्ट एंड टाइम is from 8 a.m. to 5 p.m. as decided by the State Election Commission. Keeping in the mind the latest developments on COVID, we have provided all the polling stations, all the polling team with 2 kgs of sanitizers. And apart from that, we have also given extra masks to all the polling teams so that if someone comes without a mask, they will also be provided a mask and then they can join the queue and then exercise their franchise. Akashwani ke liye Usha Sharma, Parijat Sharma ke saath Kantok se main Dilip Ramdulal. इस वर्ष के आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर के स्थान पर ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के साथ एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद आईपीएल से हट गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सभी अखबारों ने चिंता व्यक्त की है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सलाह को पहली खबर बनाया है कि संक्रमण रोकने को सख्ती बढ़ाएं राज्य, संक्रमितों को सांस्थानिक,
क्वारंटीन करें या फिर घरों में ही रह रहे मरीजों की निगरानी बढ़ाएं। दैनिक ट्रिब्यून ने केंद्र की इस चेतावनी को प्रमुखता से दिया है कि किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दैनिक जागरण ने केंद्र द्वारा राज्यों को 7 सूत्री फॉर्मूला अपनाने को प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, विमानन नियामक डीजीसीए ने हवाई अड्डों पर ठीक से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने को कहा। अमर उजाला ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इस अध्ययन को दिया है, भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर बिजली क्षेत्र से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2018 के स्तर पर ला सकता है। नवभारत टाइम्स की खबर है, इंतजार खत्म, कल से भर सकेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर फराटा। पत्र आगे लिखता है, एनएचएआई ने ट्रायल के लिए इसे खोलने की तैयारी की। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र की सुर्खी है, मुगल ब्रिटिश इतिहास पर नए रूप में प्रकाश डालता है सनातन। दैनिक भास्कर ने आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण नए नियमों के साथ 9 अप्रैल से शुरू होने को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, 90 मिनट में पारी खत्म करनी होगी, एक घंटे बाद तक सुपर ओवर हो सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, पश्चिम बंगाल और असम में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। केंद्र ने चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त बिक्री के लिए उपलब्ध कराई। देश में अब तक 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की उत्पत्ति की वैश्विक स्तर पर जांच की रिपोर्ट जारी की है। अमरीका, ब्रिटेन और 12 अन्य देशों ने रिपोर्ट के निष्कर्ष की आलोचना की। एक सदस्यीय न्यायिक समिति महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के आरोपों की जांच करेगी। बम्बई उच्च न्यायालय आज देशमुख के खिलाफ जांच की मांग करने संबंधी परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। जयपुर अदालत ने आतंकवाद के आरोप में राजस्थान सिमी के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव किया। भारत लगभग 3 अरब डॉलर की आरंभिक पूंजी और अगले 3 वर्ष में 69 अरब डॉलर के ऋण लक्ष्य के साथ नई वित्तीय विकास संस्था का गठन करेगा। भारत के स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के 2022 में 372 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना। उड़ान योजना के अंतर्गत 3 दिन में 22 मार्गों का शुभारंभ और आईपीएल क्रिकेट में चोटिल श्रेयस अय्यर के स्थान पर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान नियुक्त। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।